एक इंडिया में वर्ड होता है औकात, ये इंग्लिश में उसका मजेदार इक्वल आता नहीं है। स्टेटस इज नॉट सेम क्वालिटी यू नो, बट इंडिया में एक वर्ड है औकात, वो सबको बता दिया जाता है कि बेड़े औकात में रहो, यही बोलते ज्यादातर, औकात में रहो, क्योंकि सबको अपनी औकात पता है कि मैं इस घर में पैदा हुआ हूं, मेरे माँ बाप की इतनी सैलरी है, मेरे घर का साइज इतना है, मैं इस शहर में हूं, मैं इतना ही कर सकता हूं। सो स्पेशली फॉर यंगर पीपल, तुम चाहते हो ना लोग आपको सक्सेसफुल माने, कुछ ऐसा करो जिससे आपकी औकात पार हो जाए। कैसे करना है? आई यूज सिक्स स्टेप प्रोसेस एंड ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू गो ऑन एंड ऑन टुडे, बट ट्राइंग टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स टू यू। फर्स्ट थिंग इन लाइफ, यू नीड टू नो हाउ टू सेट अ क्लियर गोल। ठीक है, अगर मैं आपको बोलता हूं कि अच्छे कॉलेज में जाना है तो ये गोल है, अगर मैं बोलूं कि पतले होना है गोल है, ये गोल नहीं है। बताऊं क्यों नहीं है? कब पतले होना है आपको, अगले 25 साल में या अगले 3 महीने में? कब आपको कॉलेज में जाना है, 2 साल में? कौन से कॉलेजेस की शॉर्टलिस्ट है आपकी? जब तक आप उसके स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं डालोगे, मुझे 6 महीने में 5 किलो वेट कम करना है, मुझे 5 महीने में पूरी फिजिक्स की तैयारी करनी है, जब तक आप वो नहीं करोगे तब तक वो गोल नहीं है, वो सपना है। सपने लेते रहो, सपने लेने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सपना तो आप जो मर्जी ले सकते हो, पर यहां पे मेरे को बोला है, बोलेगा अचीविंग योर ड्रीम्स, आपको सपने प्राप्त करने हैं, उसके लिए सपने को गोल में बदलना पड़ता है। वो गोल बिना लाइफ नहीं आप जी सकते। सबसे बड़ा डिफरेंस जो लोग प्रोग्रेस करते हैं और जो नहीं करते, ये है जो लोग आगे बढ़ते हैं उनकी लाइफ में कोई ना कोई गोल हमेशा होता है। उनसे अगर कोई पूछे भाई व्हाट इज योर गोल, दे कैन इमीडिएटली आंसर दिस इज माय गोल्स और 2 गोल्स और 3 गोल्स, दीज आर माय 3 गोल्स फॉर नेक्स्ट ईयर। इफ यू डोंट हैव, कुछ भी कर लेंगे यार, तो कैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी? लंबी मेहनत हो ही नहीं सकती जब तक आपको पता ही नहीं है कर क्या रहे हो। सो दैट इज वन थिंग। सेकंड इज द रीजन बिहाइंड द गोल। बहुत सारे स्टूडेंट्स में देखता हूं बोलते हैं हाँ करना है हमें IAS, करना है हमें ये मेडिकल में जाना है, ये क्यों जाना है? पापा कह रहे थे, मेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं, और करूं भी क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो चलो यही कर लेते हैं, ये इजी लग रहा है। ये सब बकवास रीजन है, टू बी ऑनेस्ट, ये इतने बकवास रीजन है कि आपका दिमाग आपको क्विट करवा देगा, गारंटी लिख के ले लो। क्योंकि मम्मी के कहने पे लंबी मेहनत नहीं होती, लंबी मेहनत होती है जब आपका अपना दिमाग कहता है, लंबी मेहनत होती है जब आप अंदर से यू फील कि ये मुझे करना है, मेरे लिए इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है लाइफ में, फेसबुक बाद में कर लूंगा, इंस्टाग्राम बाद में कर लूंगा, लेकिन ये गोल का काम मैं पहले करूंगा क्योंकि ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई फर्क पड़ता है आपको 10 लाइक कम आ जाए एक फोटो पे? हम सारा टाइम उसी में इतना टाइम घंटों वेस्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आपका रीजन हो कि नहीं यार ये मैं तो इसीलिए जी रहा हूं, मैं सुबह उठता ही इसलिए हूं, दैट इज द काइंड ऑफ पीपल हु डू वेल। इट्स गॉट नथिंग टू डू विद इंटेलिजेंस, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद बीइंग जीनियस, इट इज जस्ट मेंटल स्पिरिट कि मैं उठा हूं ना आज तो मैं लाइफ में कुछ पॉजिटिव करूंगा, नहीं तो मैं मेरा और कोई पर्पस नहीं। बाकी एंटरटेनमेंट, डिस्ट्रैक्शंस, फ्रेंड्स, वो सब है, रिलैक्स हर कोई करना चाहता है, लेकिन मैं उसके लिए जी नहीं रहा हूं, जी मैं किसी और चीज के लिए रहा हूं, वो चीजें मैं रिलैक्स करने के लिए करता हूं। दैट इज अ क्लियर डिफरेंस इन द माइंड ऑफ अ पर्सन हु विल इवेंचुअली बिकम सक्सेसफुल। जस्ट दिस एटीट्यूड यू ब्रिंग टू योरसेल्फ ना, यू विल सी कैसे आप औकात पार करना शुरू करते हो। फाइंडिंग द ग्रुप, संगत एक चीज होती है हमारे समाज में, कहते हैं संगत अच्छी रखो, संगत बहुत जरूरी है। अगर आपके सारे फ्रेंड्स फेसबुक में एडिक्टेड हैं और आप अकेले बेचारे बैठ के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सब आपको बोलेंगे ये क्या पागल है, यू आर नो फन। बट अगर आपके सारे फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं तो आप भी कर लोगे। व्हेन आई वाज इन माय स्कूल वाज आर्मी पब्लिक स्कूल, नोबडी वाज सीरियस अबाउट स्टडीज देयर। आई वांटेड टू स्टडी फॉर IIT, आई हैड 4 पीपल हु वर सीरियस इन अ क्लास ऑफ 300 12th क्लास स्टूडेंट्स। आई मेड फ्रेंड्स विद देम, आई डिस्कस नोट्स विद देम, आई शेयर्ड थिंग्स विद देम, आउट ऑफ 4 आई थिंक 3 मेड इट ऑल्सो। सो वी यू हैव टू मेक दैट ग्रुप। अगर आप अकेले डाइटिंग कर रहे हो और घर पे सारे पकौड़े तल रहे हैं तो भैया कभी नहीं होने वाला। अगर आपके घर पे हेल्दी खाना बनता है तो आप भी खा लोगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। अपना ग्रुप, अपनी संगत जो है बहुत ध्यान से चुनो। यू नो इफ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इट मैटर्स। यू नो डिटेल्ड एक्शन प्लान, ये अल्टीमेटली स्टेप है सबसे बड़ा, कि लंबी मेहनत को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। सी अल्टीमेटली आपको काम तो डेली बेसिस पे ही करना है, और डेली बेसिस पे आप धक्का मार स्टाइल लगा सकते हो। तो अगर आपके 50 चैप्टर हैं जो एक साल में करने हैं, तो आपको पता है कि हर हफ्ते मुझे एक चैप्टर करना है। इसका मतलब है कि एक चैप्टर में मतलब 15-20 घंटे लगते हैं, तो हर रोज मुझे 3-4 घंटे पढ़ना है। तो कट 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 करके आपको डेली का कोटा मिल जाता है कि मुझे 3-4 घंटे। अब वो 3-4 घंटे में आप धक्का मार लगा लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं।
वो बोलो यार आज के 3 घंटे नहीं हुए, चल ये कर ले यार। सेम मेरे को हफ्ते में रोज आधा घंटा जिम जाना है या जो भी है, वो आधा घंटा धक्का मार कर सकते हो, दैट इज ओके, बट यू के नॉट डू इट फॉर द होल थिंग, सो यू नीड टू ब्रेक इट डाउन। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, हाथी को कैसे खाओगे? छोटे छोटे पीसेस करके खाओगे ना, पूरा तो नहीं खा सकते। तो एक लंबी मेहनत का काम है, उसको छोटे छोटे पीसेस में करना, दैट इज एक्शन प्लान। कि भैया इस महीने ये काम होगा, इस महीने ये होगा, इस महीने ये होगा, ये और मेरा इस हफ्ते का ये टास्क लिस्ट है डेली की, ये है और ये करना है। देन इज सेटबैक डीलिंग मैकेनिज्म, मतलब आप बेस्ट प्लान बना लो, आप बेस्ट रीजन बना लो, लेकिन आप जी तो दुनिया में रहे हो ना कभी किसी कजन की शादी हो जाएगी, कोई घर पे बीमार हो जाएगा, कुछ और डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, आप कीचड़ में गिर जाओगे, क्योंकि लंबी मेहनत है, लंबा रास्ता है, किसी ना किसी दिन तो गिरोगे कीचड़ में। अब वो सेटबैक से कैसे डील करते हो आप, वो बहुत डिसाइड करता है। बहुत लोग बड़े अच्छे इंटेंशन से चालू करते हैं, बीच में कुछ आ जाता है गड़बड़, आपने प्लान बनाया था 3 महीने में इतना करेंगे, 10 दिन तक टोटल वेस्ट हो गया। अब वो है कि या तो मैं बैठ गया यार अब तो बर्बाद हो गए हम तो भाई, छोड़ो छोड़ो ये क्या बकवास गोल लेके बैठ गया हूं, या फिर बोलो कोई बात नहीं यार गिर गए कीचड़ में, उठ के नहा के फटाफट चालू करेंगे दोबारा, दैट्स ऑल। क्विट नहीं करना है, क्विट कर दिया तो आपको हैंडल नहीं करना आया कि भाई कैसे वापस रिवाइज बनेगा प्लान। ठीक है 4 हफ्ते में करना था, 1 हफ्ता वेस्ट हो गया, अब 1 हफ्ता और जोड़ो और करना है, या हर रोज आधा घंटा एक्स्ट्रा करके पूरा करना है, जैसे भी आप करना है आप करोगे, राइट। एंड फिर होता क्या है कि जब आप कोई लंबी मेहनत कर रहे होते हैं तो बीच में बहुत एंग्जाइटी आती है, मैं एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा, ये माइंड के गेम्स हैं, दिमाग तो बोलेगा ही, घबराएगा ही, घबराहट तो एक चीज है ना। यू हैव टू हैव फेथ whether in God or in your parents or in yourself or in the universe, कि यार जब मैं मेहनत करूंगा ना उसका कुछ ना कुछ तो अच्छा नतीजा निकलेगा ही। ये सब नेगेटिव थिंकिंग सोचने का कोई फायदा नहीं है, मैं एक जर्नी पे हूँ, मैं एक लंबी मेहनत के रास्ते पे हूँ, मेरे को इतना टाइम मेहनत करनी है, उसका आउटकम पॉजिटिव यूजुअली निकलता है, मेरे को भी निकलना है, दैट इज अ फेथ यू हैव टू हैव। ये जो मैंने तरीके बताए आपको, एक गोल बनाओ, उसके रीजन डालो, फाइंडिंग एक अच्छा ग्रुप बनाओ, एक एक्शन प्लान बनाओ, सेटबैक, ये कॉमन सेंसिकल भी है एक तरह से बातें, लेकिन यू हैव टू रियलाइज कि यही एक तरीका है जो आप लंबी मेहनत करके एक औकात पार करने वाला काम कर सकते हो। इसके लिए कोई जीनियस नहीं चाहिए, इसके लिए कोई सुपर इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, इसके लिए एक फोकस चाहिए, इसके लिए एक अंदर से आपको एक दिन अकेले बैठ के शांति से बैठे बोलो यार मैं क्यों आया हूं इस दुनिया में, मैं कुछ बनने के लिए आया हूं, पहले वो करूंगा मैं दिन में, उसके बाद इंजॉय भी करूंगा। इंजॉय करने के लिए भी हम आए हैं इस दुनिया में, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ काम करने के लिए आए हैं, और मैं खूब इंजॉय करता हूं, लेकिन काम पहले होगा, एंड दैट इज आई थिंक व्हाट मेक्स द डिफरेंस, कि कोई कर जाता है और कोई नहीं करता। फिर आप 10-20 साल बाद देखते हो यार इसने कैसे कर लिया, इसमें तो इतनी क्या ग्रेट बात थी, ग्रेट बात ऐसे नहीं थी, फंडामेंटली नहीं थी, लेकिन वो रोज बैठ के अपना काम करता था, बस दैट इज द ओनली डिफरेंस, एंड इफ यू डू इट, इट विल हैपन टू यू ऑल्सो।